बड़ी मुश्किल से निकले देखियो आजा आजा जबरदस्त भीड़ है इतने आ गया हां और आधा टिंडे ले गए कड़क कड़क में भीड़ ले गए इतने भीड़ इतने भीड़ इतने भीड़ जींद के वासी देख ले कि मैं लेने का होगा तो ये छोटी मोटी चीजें ले ये ले भाई राजा देख तो ले वा मेरा लग रहा है अपने के लेगा आओ मेला ना छोड़ कर जाएगा इसमें घर चल रहा है और क्या करें थोड़ी देर पास चले जाओगे तो मतलब रावण देख रहे केले वे तू इसकी एक तीस की दो यार तेरा बेबी है दूसरा ले आओ बढ़िया डिजाइन देखो बेबी भी तटोगी है कि नहीं ब्रो खत्म हो रहे हैं यो ले ले यो ले ले कौन सी कुड़िया दो टमाटो उसमें से नहीं गिर देना मिर्च मीडियम कर देना वो भूख लगी अब हम खाएंगे पियेंगे इस विंटर का फर्स्ट टमाटो सूप माय फेवरेट दिखने में इतना लजीज है ना पीने में इससे भी ज़्यादा लजीज है बहुत अरे मुँह में पानी आ गया अच्छा टेस्ट एकदम गंदा और ये मिलता है यहाँ रानी कचहरी जो बोलते हैं इसका जो टेस्ट है ना बहुत मस्त बहुत ही ज़्यादा इससे अच्छा कोई नहीं था वैसे ही करते यहाँ पे बेस्ट है ये देखो आए थे दशहरा देखने पता नहीं कौन इसका क्या मार गया पेंचर कर दिया गेट काटी है इसका परसों ही मैंने गेट काट दिया गेट काट दो जी बिगड़ गया क्या देखियो ना बिगड़िया नहीं परसों ही मैंने हवा करवाई थी परसों हवा करवाई थी हाड़े आया था तो सर देखने बहन ने किसने के मार दिया इसका है पता नहीं क्यों मेरे साथ ही हमेशा ही होता है उल्टा सीधा सी कहीं भी चला जाऊं किस्मत खराब है क्या करें ना किसी गड़बड़ हुए ना रह ही नहीं सकता कुछ ना कुछ नुकसान कुछ ना कुछ गड़बड़ के मेरे साथ होती है जैसे कि अब ये पता नहीं किसने क्या मार दिया इसमें टायर पंचर हो गया दिमाग की दही हो जाती है ऐसे ऐसे टाइम पे लगे हुए हैं अंकल देखो खराब हुई है या क्या हो रहा है निकाल के देखेंगे इसको खुले भाई
बाइक पर बैठ दे बेरा पड़िया था मैंने मुँह भी बेरा ला के जा यार गड़बड़ है। हेलो नहीं मेरी लाइफ में कभी कुछ सही होगा कि यार दिमाग खराब हो जाता तो तख्ता पड़े लो जमो बोला चेहरा देख लिया, मजा आया, घूम लिए, जो लेना देना था सब ले भी लिया। देन द टाइम आता है हमारे घर आने का एंड बाइक के पास आए हम। रियल प्रॉब्लम तो वहाँ शुरू हुई कि तो वहाँ बाइक स्टार्ट करने गए, बैठा हूँ बाइक पे, फिर मैंने दोबारा से मैंने नोटिस किया कि बाइक भारी चल रही है, अजीब सी चल रही है। मैंने खान से कहा भी कि देखियो जरा पिछले वाले टायर को, तो उसने कहा ऊपर से वैसे दिखा नहीं सही से, उसने देखा बोला ठीक है।
बट वो ठीक नहीं था। सेकंड हमने सूप वगैरह पी लिया वहाँ पे, उसके बाद फिर दोबारा से जब मैं बाइक स्टार्ट करने के लिए उसे बैठा तो मैंने देखा टायर में बिल्कुल भी हवा ही नहीं है, उसकी हवा ही निकल चुकी थी। तो अब रात भी हो चुकी थी एंड किसी ने बताया हमें कि इधर उधर तो वहाँ कहीं मिलेगा नहीं, आप वहाँ पे चले जाओ रानीद्रा के कॉर्नर पे, वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ गए देखा तो फॉर्चुनेटली वो वहाँ अंकल थे और हमने फिर वहाँ ठीक करवाया। पता नहीं क्या मज़ा आता है लोगों को किसी का नुकसान करके, और पता नहीं क्या मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मुझे ये नहीं समझ में आता, वाई मी। इतनी भीड़, इतनी जनता हुई थी, किसी के साथ आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हुआ होगा, मे बी हुआ भी हो पर मेरे साथ ज़रूर होता है, आई डोंट नो वाई। एक खुद से ये क्वेश्चन होता है मेरा हमेशा कि वाई मी, वाई। हद होती यार किसी चीज़ की। प्लीज़ ऐसा ना करें, कोई भी किसी भी टाइम मुसीबत में पड़ सकता है। ठीक करवाया हमने एंड देन फाइनली घर आ गए, तो ठीक ठाक करवा के अपना आराम से फिर फाइनली हम घर पे आए। एंड इस तरह से ये जो दशहरा है वैसे ठीक था, बट एट द एंड ये मेरे लिए बुरा हो गया।